हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ एक बार फिर से नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़ पानी पुड़गांव की तरह हमेशा सब्जेक्ट सोशल साइंस। और जैसे कि गाइस, क्लास 8th का जो हम आवर पास्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, कब कहाँ कैसे, उसको जो हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट डे हमने पढ़ा था, मतलब यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा था कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और तारीखों के बलबूते कैसे कैसे शासन आगे को बढ़ा। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कॉर्नेलियल के बारे में कि औपनिवेशिक क्या होता है। हम जैसे औपनिवेशिक क्या होता है, एक्चुअली आप लोग इससे पहले जो क्लास 7th की बुक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लास्ट जो आपने क्लास पास की है उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो एक शक्तिशाली देश होता है वो कम शक्तिशाली देश पर कैसा अपना आधिपत्य स्थापित करता है, उसी के आधारित पर कैसे उसको शासन को आगे को लीड करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो गाइस, जानते हैं हम व्हाट इज कॉलोनियल। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, द वे द ब्रिटिश केम टू कॉर्नर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सर्वजीस, लोकल्स, नवाब्स एंड राजास, यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड एट लो प्राइसेस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स द नीड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज द केम अबाउट एज अ कंसक्वेंस। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट द वैल्यू एंड टेस्टिस कम आउट्स द प्रैक्टिस वैन बी सजेस्ट एज वेल एज। अर्थात गाइज, जैसे कि मैं आपको पहले से बताते चले आ रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने जो हमारे देश को जीता उस पर स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर किया। तो किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण किया, सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूला, अपनी ज़रूरतों को चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की जो खेती थी वो कराई, इन सब चीज़ों की कोशिशों में क्या बदलाव आए। हम ब्रिटिश के जो रूल्स थे, यहाँ की जो मूल्य मान्यताएं थी, पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीके में क्या क्या बदलाव आए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदल आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। मैं आपसे फिर पुनः वो बोल रहा हूँ कि जब एक शक्तिशाली देश एक कमजोर देश पर अपना जब पूरा अधिकार स्थापित कर लेता है, वही औपनिवेशिक कहलाता है, वही कॉलोनियल कहलाता है। जैसे कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और फिर वो चाहे आर्थिक स्थिति पर हो, सामाजिक स्थिति पर हो, किसी पर भी स्थिति पर हो, उन चीज़ों को वो सही से नहीं प्रोड्यूस कर पाते। अब हम बात करेंगे गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, अर्थात प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता था उसमें। तो वन इंपॉर्टेंट सोर्स इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, एवरी इंस्ट्रक्टर प्लेन पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशंस हैड टू बी क्लियरली रिटन अप वंस दिस वॉज द थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डायबिटीज। तो दिस कन्विकेशंस प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीन्स नथिंग एंड रिपोर्ट्स। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट द ऑल इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अर्थात कि अंग्रेजी जो शासन था वो सरकारी रिकॉर्ड, चाहे हम हिस्टोरियन की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, उनका एक महत्वपूर्ण साधन था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, साफ सफाई इत्यादि बहुत आवश्यक था। ऐसे करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन वो लोग करते थे, उन पर वाद विवाद किया जाता था, मगर समझदारी के चलते टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति से ये चीज़ें पैदा हुई थी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए।
तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर, दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबको रिकॉर्ड, सब डिपार्टमेंटल में उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम भी रखा। और जैसे हम बात करते हैं तो 19वीं सदी की जब शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा, जब दूसरी शाखा पर पत्रों का आदान प्रदान हुआ, तो अभिलेख में हम आज भी देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर किस प्रकार के शासन प्रशासन को वो तकनीकी रूप से आगे बढ़ाते थे और कैसे वो चलते थे। आप देख भी पा रहे होंगे गाइस, इस मैं आपको स्क्रीनशॉट पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपने इतिहासकारों से अपने अभिलेख को इस पर अच्छे तरीके से इस ढांचे को आगे प्रोवाइड कराया था या अच्छे तरीके से इसको आगे सर्वाइव कराया था। अब हम बात करेंगे सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट, कि अब जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए ये जो सर्वे था, सर्वे का अर्थ का जो हिंदी होता है, जो सर्वेक्षण था, जो ऑब्जर्वेशंस था, वो क्यों महत्वपूर्ण था? भाई महत्वपूर्ण तो होगा ही, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि वो औपनिवेशिक थे और अंग्रेज लोग भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज पर पूरा आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो देखते हैं इसके बारे में। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी अ प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिक्लेयर्ड सर्विस वर बींग कैरिड आउट टू द मैप द इंटायर इकोनॉमी इन द ब्लेज रिवेन्यू सर्वाइव वर कंडक्टेड। द एफर्ट्स वॉज टू नो द टाइपोग्राफी, अर्थात औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का जो चलन था वो महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों का जो विश्वास था वो किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के, यानी उसको सही तरीके से चलाना, कैसे चलाते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंथुयास थे। तो 19वीं सदी की शुरुआती तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण हुआ। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल, सब का पता लगाया गया। मतलब कहने का अर्थ, हर किसी का पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी ये लोग कर निकले और जनगणना के जरिए भारत के जो सभी प्रांत थे उन प्रांतों में लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय, सबके बारे में जानकारियां ये औपनिवेशिक लोग इकट्ठा कर निकले। इसके अलावा इन्होंने देयर वॉज मैनी एफर्ट सर्वाइव बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे भी इन लोगों ने किया, अर्थात वनस्पति सर्वेक्षण भी किया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किया, पुरातत्वीय सर्वेक्षण भी किया, मानवशास्त्री सर्वेक्षण भी किया, वन सर्वेक्षण भी किया और दूसरे सर्वेक्षण भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादातर कराए। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अर्थात जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे क्या पता नहीं लगा सकते। सपोज दैट गाइज, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, सपोज दैट मैं आपको जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट, तो अगर आपने इसको जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप लिखेंगे, आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, तो वो आपका एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड आपका कब काम आ सकता है? जब आपसे स्कूल का मैनेजमेंट पूछे, जब आपसे आपके पेरेंट्स पूछें, जब आपसे आपके रिलेशन में कोई पूछे, या अर्थात जब आपके एग्जामिनेशन में आए तो तब याद करने के लिए आपको वो रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उन बुक्स को हम कई बार रख सकते हैं और आगे को बढ़ा भी सकते हैं उनको, अपने नॉलेज को, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। लेकिन अब हमारी बात यह आती है कि जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे क्या पता नहीं चलता है, मतलब उनसे हम क्या, उनसे हम नहीं जान सकते हैं, अर्थात उनसे हम क्या नहीं जान सकते, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नाउ फ्रॉम दिस वेस्ट क्रॉप्स ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट एंड व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। तो दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड वट अदर पीपुल इन द कंट्री फेल्ट एंड वट ले बिहाइंड देयर एक्शन।
फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेस वी फाइंड देम इन प्लेंटी दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वी हैव डायलर्स ऑफ पीपुल अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड द ट्रेवलर्स ऑटोबायोग्राफीज इंपोर्टेंट्स पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे पास वहाँ मौजूद थी। तो रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे कुछ बातों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं मगर कुछ को नहीं कर सकते। जैसे रिकॉर्ड्स हैं, इनमें हमने ये पता लगाने की कोशिश की सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें ये समझना बेहद मदद भी करता है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या कार्रवाइयाँ थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसा दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले बड़े उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल अवश्य साबित होता है। लेकिन जो डायरियाँ थीं, तीर्थ यात्रियाँ थीं, यात्रियों के स्मरण थे, लोगों की आत्मकथाएँ थीं, स्थानीय बाज़ार थे, बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें थीं, जैसे जैसे छपाई चलते गई, अखबार छपने लगे, बुक्स छपने लगे, तो जो नेताओं और सुधारक थे उन लोगों ने अपने विचार और कविताओं को, अपनी भावनाओं को इनमें व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सारे स्रोत जो थे गाइज, उन लोगों ने रचे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम पता नहीं लगा सकते थे कि आदिवासी और किसान, काम करने वाले मजदूर या फिर सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे हों। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इसके बारे में भी जान सकते हैं, और किताब को आगे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे समझ में आगे को धीरे धीरे आ जाएगा या आगे को चीज़ें बढ़ निकली। सो गाइज, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, आवर पास्ट का जो पहला चैप्टर है, व्हाट व्हेन व्हेन व्हाट देयर्स की हम जब बात कर रहे हैं, इस चैप्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, हाउ व्हेन एंड वेयर, हाउ व्हेन एंड वेयर, तो ये चैप्टर्स भी हमारा जो होता है वो एकदम फिनिश होता है। अब लास्ट में हम थोड़ा एक इमेजिनरी भी करेंगे। हम जैसे कि गाइज आपको बताया था, ये इतिहासकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, आप ये देखिएगा, इसमें मैं ये चित्र में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो वहाँ के वो इन रिकॉर्ड्स को क्या क्या वो करते थे या क्या क्या उनके मन में आते थे। अब आप जरा, मैं आपको एक इमेजिनरी थिंग्स पर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, जरा हम सोचते हैं, लेट्स इमेजिन करो, इमेजिन दैट यू आर अ हिस्टोरियन वांटेड टू फाइंड आउट अबाउट हाउ एग्रीकल्चर चेंज्ड इन द रिमोट ट्राइबल एरिया देन इंडिपेंडेंस, अर्थात इतिहासकार आप पता लगा सकते या चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए, इनकी जानकारियाँ कैसे कैसे हुई, इनकी जानकारियों को हमने कैसे कैसे आगे किया, इनकी जानकारियों के बारे में हमने और किन तरह की चीज़ों को सोचा समझा, उसके बारे में हम आगे को बताएंगे। सो गाइस, इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा। आपको भली भांति से इसको पढ़ना है, समझना है। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट मीनिंग आपको नहीं आती है तो आप हमें बताइएगा कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, कब कैसे और कहाँ, ये फिनिश होता है, और इसमें हमने जाना कि इतिहासकार और जो औपनिवेशिक लोग होते हैं उनका दबदबा कैसे था और किन डेट्स के बारे में, किन चीज़ों के बारे में हमने इसको आगे को पढ़ा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।